आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। तो दोस्तों ये सेकंड टॉप रीबॉर्न मेरे सामने मॉडल खड़े हुए हैं दो। तो ये मैटी फिनिश में होता है, आप देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये कलर, ये देखिए। और इसको मतलब आपको डार्क एडिशन भी बोल सकते हैं इन वाली मोटरसाइकिल्स को। तो इस वीडियो में इसका हमें रिव्यू करूँगा, क्या ऑन रोड कॉस्ट है, क्या माइलेज है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या अपडेट होकर आया है इस क्लासिक वाली मोटरसाइकिल में, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को यार लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ये आपके एक लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वाली मोटरसाइकिल में आपको स्प्लिट वाली सीट देखने को मिलती है, देखिए मतलब सिंगल सीट देखने को नहीं मिलती, स्प्लिट वाली मतलब जो पीछे वाला बंदा है वो यहाँ बैठेगा। और ग्रैब रेल के रूप में आपको मतलब एक पाइप के रूप में ग्रैब रेल देखने को मिलती है, यानी बैक सपोर्ट के लिए। और सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, आप देखिए। और टैंक देखने को मिल जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव E20 में ये गाड़ी देखने को मिलती है। पहले ही बता दूं इसका जो इंजन है BS6 फेज 2 का रिफाइन इंजन देखने को मिलता है J सीरीज का। और ये वाइब्रेशन नहीं करती मोटरसाइकिल, पहले जो क्लासिक आती थी वो वाइब्रेशन करती, लेकिन ये वाइब्रेशन के बिना मोटरसाइकिल आई है। इसका इंजन जो है J सीरीज का है। उसका जो इंजन की पावर है वो वैसे तो 350 cc है, क्लासिक 350, लेकिन एक्चुअल पावर आपकी 349 cc की है, यानी कि 349 cc की। और इसकी BHP है 20.2 BHP ये जनरेट करती है। और टॉर्क सुन लो दोस्तों, टॉर्क जो है आपका 27 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल और हैंडल बार के बारे में। कुछ इस टाइप से इसका मीटर कंसोल है, देखो पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखो ये इसकी की है, एंटी थेफ्ट की कहलाती है। इसको मैं लगाकर दिखाता हूँ ऑन करके। कुछ इस टाइप से इसका सेटअप, मतलब दो तरह का मीटर देखने को मिल जाता है, एनालॉग में भी और डिजिटल में भी। क्या क्या देखने को मिलते हैं इंडिकेशन, बैटरी का, ABS का, सिंगल चैनल ABS में ये गाड़ी कहलाती है, पास से देखो। और ये आ जाता है आपका पेट्रोल का, कि गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है, मैंने कहा ये रिजर्व का देखने को मिलता है बेसिकली। और आपका हेडलाइट हाई बीम लो बीम का देखने को मिलता है, और इंडिकेटर का देखने को मिल जाता है इंडिकेशन, और माल फंक्शन का भी देखने को मिलता है। अगर गाड़ी में कोई खराबी तो येलो कलर की लाइट इस जगह पे चलेगी, देखो ये दिख रहा होगा, इस जगह पे चलेगी। डिटेल में क्या क्या मिल जाता है, फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, ट्रिप देखने को मिल जाता है, और टाइमिंग देखने को मिलता है, और सर्विस रिमाइंडर इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहें तो चार्ज कर सकते हैं। लीवर कुछ इस टाइप से हैं, एडजस्टेबल लीवर नहीं है, मतलब एडजस्ट नहीं करोगे, लेकिन ब्लैक कलर के मैटी फिनिश में लीवर दिए गए हैं, ये देखिए कुछ स्टेप से। और यहाँ पर ये आप इसको ये वाले बटन से आप इसके मीटर को आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कि देखिए कुछ स्टेप से होता है, ये देखिए ये। और क्या क्या देखने मिल जाता है बटन, ये आपका हाई बीम लो बीम, और इसी के अंदर इंक्लूड है पासिंग का, ये देखो पासिंग, और आपका इंडिकेटर का हॉर्न, हॉर्न तो काफ़ी दमदार है। और ये देखो इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, और यहीं से गाड़ी स्टार्ट होगी, और ये हज़ार स्विच इसके अंदर देखने को मिलता है, चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हुए दिखेंगे आपको। देखो ये देखो इंडिकेटर का बताऊँ स्टाइल, ये देखो फ्लैक्सिबल, मतलब ये फ्लैक्सिबल नहीं है, मतलब आपको हैलोजन में देखने को मिलेंगे। और आपका जो आपका हेडलाइट है वो आ जाता है आपका हैलोजन में, थ्रू नाइट में बहुत शानदार होने वाला है। ये प्यारे से क्यूट से छोटे से ऊपर की तरफ, मतलब एक मतलब पहचान, बुलेट की पहचान और इस वाली गाड़ी की पहचान होती है जो छोटे छोटे बल्ब। नीचे की तरफ बढ़ लेते हैं, याद रहते हैं इसके सस्पेंशन, जो आगे के सस्पेंशन है वो 41 mm के फॉक्स कहलाते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। ये आ जाता है मेटल में इसका मदगार्ड। 300 mm के आगे के आपके डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि बाइब्री के हैं। और टायर साइज़ की बात करूं तो दोस्तों आगे का जो टायर है वो 100x90 का है, और 19 inch का इसका व्हील साइज देखने को मिलता है। और एक चीज़ और बता दूँ, इस वाले मॉडल में आपको ट्यूबलेस और अलॉय व्हील में ये गाड़ी देखने को मिलती है। देखो दो मॉडल खड़े हुए सेम है, मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ियाँ दोनों सेम है। यह रहता है रिफ्लेक्टर, और देखो आगे के मदगार्ड को रोकने के लिए ना ये पत्ती लगाई गई, जो कि काफ़ी मजबूत मतलब मेरे को लग रहा है। ये देखो ब्लू कलर की फिनिशिंग दी गई पट्टी, ताकि गाड़ी चलेगी तो मतलब अच्छे से दिखेगा। यह रहता है इसका लेग गार्ड, काफ़ी मजबूत है दोस्तों, साइड से देखने में गाड़ी कुछ इस टाइप से लग रही, देखो। और 13 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, E20 OBD2 BS6 गाड़ी है, जे सीरीज़ का इसमें इंजन लगा हुआ है, काफ़ी मतलब दमदार और पावरफुल इंजन है। और जो माइलेज है ना दोस्तों, अगर बेहतर कंडीशन में गाड़ी चलाओगे ना तो 35-40 तक का ही माइलेज आपको आराम से कोट कर देगी। यह 5 गियर देखने को मिलते हैं गाड़ी में, 1 down 4 up कुछ इस टाइप से है। ये जाते हैं फुटरेस्ट, फोल्डेबल, फोल्डेबल फुटरेस्ट। और देखो ये इंजन पावर कट वाला सेंसर भी देखने को मिलता है साइड स्टैंड में, साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों है। और गाड़ी में यार किक देखने को नहीं मिलती है, सेल्फ से ही गाड़ी स्टार्ट होगी। पीछे की जो सस्पेंशन है वो आपके स्प्रिंग लोडेड है, 6 टाइम एडजस्टेबल पीछे के सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं, शॉक, इसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन।
पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो 270 mm का है देखो दोस्तों, और बाइब्री का भी पीछे डिस्क ब्रेक ये कैलिपर लगा है, बाइब्री का लगा हुआ है। और पीछे का जो टायर साइज़ है दोस्तों वो है आपका 120x80 का, और 19 इंच का इसका पीछे का व्हील साइज़ है, वो देखो अलॉय व्हील में है और ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, चौड़ा काफ़ी है। पीछे का टायर देखो, पीछे से देखने में गाड़ी में कुछ स्टेप्स लगती है। हैलोजन में इसकी बैकलाइट देखने को मिलती है, और हैलोजन में इसके इंडिकेटर नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए यहाँ पर भी लाइट दी गई है, और यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह। और पीछे का भी मदगार्ड आपका पूरी तरह से मेटल में रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, दमदार लग रही है साइड से देखो ये। और ये आ जाते हैं इसके मफलर, जो कि ब्लैक फिनिशिंग में, ब्लैक कोटेड की फिनिशिंग में, मैटी ब्लैक में, और उसको कवर किया हुआ है मेटल की प्लेट से। और साइड्स में बढ़ जाते हैं, ये आ जाता है साड़ी गार्ड, ये भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये एक हैंडल मिल जाता है, आप गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हो उसको पकड़ के, ये देखो। गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 805 mm की है, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है, यानी कि धच्चियों वगैरह में आपका ये इंजन ना लगेगा नहीं, काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है। और मैं दोस्तों इसकी ऑन रोड प्राइस बता दूं, जो मैं वीडियो बना रहा हूं कोडिया ऑटो सेल्स रामघाट रोड अलीगढ़ से मैं बात कर रहा हूं, तो उसके जो ऑन रोड प्राइस है इस वाली गाड़ी के सेकंड टॉप मॉडल जो रीबॉर्न है ये क्लासिक 350, तो वो है 268,000 रुपये। तो दोस्तों EMI का भी ऑप्शन बहुत बढ़िया है, और डाउन पेमेंट का भी, कम से कम डाउन पेमेंट पर ये गाड़ी आप अपने घर पर लेके जा सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारी थी ये रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सेकंड टॉप के मॉडल के बारे में, जो आपका डार्क एडिशन कहलाता है। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।